बलरामपुर तरौला में मोहल्ला सुभाष नगर में होटल की दुकान कर रहे मंगल प्रसाद गुप्ता तथा अपने तीनों लड़कों के साथ मिलकर पत्रकार नरेंद्र पटवा पर जानलेवा हमला बोल दिया और पत्रकार के चूड़ी की दुकान पर तोड़फोड़ की तथा पुलिस से रिपोर्ट की तो जान से मारने की धमकी दी। दुकान के सामने कस्बा पुलिस चौकी होने के बाद भी दबंगों में कोई खौफ नहीं दिखा, ना ही मार के दौरान कोई पुलिस वाला दिखाई दिया। इस योगी सरकार में भयमुक्त सरकार के दावे किए जा रहे हैं, क्या यही भय है? सामने पुलिस चौकी होने के बाद भी दबंगों ने कानून के प्रति कोई डर नहीं, देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर इस तरह हमले होने लगे हैं तो आम जनता का क्या होगा? पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई है, देखना यह है कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से कहां तक कर रही है।